Hello students, welcome back to our maths class. In this video we will solve some questions related to divisibility test, right? In our previous video we studied about how to check divisibility, and in this video we will do questions of divisibility. Okay, so let's start. So our question number first is, using divisibility test determine which of the फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई टू. ठीक है, हमें इसमें क्या चेक करनी है, टू से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो टू से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारा रूल क्या था, वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 and 8 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर वंस की प्लेस पर क्या है, 2 है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वंस प्लेस डिजिट. ओके, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 2. ठीक है, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो, सो वी विल राइट हेयर, देयरफॉर 512 इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2. ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन करने की प्रोसेस, कि चेक तो हमने कर लिया कि 2 है वंस की प्लेस पर, तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो हमारा पैटर्न ये रहेगा. ठीक है, दिस इज द राइट वे और करेक्ट वे ऑफ सॉल्व क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 791. नाउ राइट हियर वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 1, वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 1. सो जो हमारा चेक करने का प्रोसेस था उसमें 0, 2, 4, 6 एंड 8 था. ठीक है, 1 तो उसमें था ही नहीं. इट मींस वी विल राइट हियर, देयरफॉर 791 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2. गॉट इट. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसमें क्या करना है, हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 3 and 9 की. ठीक है, 3 and 9 हमने दोनों को एक साथ क्यों लिया हुआ है, क्योंकि दोनों का जो चेक करने का हमारा प्रोसीजर होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनके डिजिट्स का टोटल निकालना होता है. तो देखिए, इनका टोटल हम फाइंड करेंगे 2, 1, 8, 2, 2. ओके, सभी डिजिट्स को हम प्लस कर देंगे, 2, 1 plus 1, 8 plus 2 plus 2. ओके, सबको ऐड करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7 and 8. ठीक है, ये कितना है हमारा, 15 आया. इधर हम करेंगे, देखिए 4, 1, 4 plus 1 plus 2 plus 8 plus 1 plus 2. सभी डिजिट्स को हम टोटल करेंगे, 2 and 1 3, 3 and 8 11, 12, 13, 14, 14 and 4 we get 18. ओके, तो देखिए इसमें हम करेंगे डिविजिबिलिटी किससे चेक, 3 से, और इसमें हम करेंगे 9 से. तो देखिए ये जो 15 है ये 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, और ये 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है. इट मीन्स ये जो नंबर आपको दिख रहा है 4,12,812, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. तो इसको लिखना किस तरीके से है, ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर 15 इज डिविजिबल बाय 3. ओके, 15 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 5 15. Therefore, 21,822 is also divisible by 3. Okay, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें. सेम इसमें हम क्या लिखेंगे, 18 आया हमारा टोटल इसमें, तो लिखेंगे 18 is divisible by 9. 18 is divisible by 9. ओके, 9 के टेबल में 18 आता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर 4,12,812 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. ओके, ये डिजिट्स को प्लस करने वाला जो प्रोसीजर होता है हमारा किस में फॉलो होता है, ओनली 3 and 9 के केसेस में. गॉट इट. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बाय 4 and 8. ओके, 4 और 8 को हमने साथ में इसलिए लिया क्योंकि दोनों का प्रोसीजर जो होता है वो हमारा सेम होता है. ठीक है, 4 में जब हम चेक करते हैं तो हम लास्ट में लास्ट के 2 डिजिट्स लेते हैं, जब 8 की बात करते हैं तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स लेते हैं. ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लास्ट 2
digits, last two digits. Okay, last two digits कितना है हमारे, देखिए 1616. Okay, so 16 जो है 4 के टेबल में आता है, it means हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 16 is divisible by 4. 16 जो है किसके टेबल में आता है, किसे divisible है, 4 से divisible है. Therefore 516 is also divisible by 4. ये प्रोसेसर हमारा जो रहेगा इसको करने का वो सेम ही रहेगा सभी क्वेश्चंस में. ओके, इसमें लास्ट के टू डिजिट्स देखते हैं और इसमें लास्ट के थ्री डिजिट्स. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट के थ्री डिजिट्स क्या है हमारे, 512. अब हमें ये चेक करना है कि 512 8 के टेबल में आता है कि नहीं आता है. तो कैसे चेक करेंगे, डिवाइड लगा करके हम इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए 512 हमने लिखा, 8 6 48, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 हो जाएगा ये 2, एंड 8 4 32. ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट ये डिविजिबल हो जाएगा इससे. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 512 इज डिविजिबल बाय 8. ठीक है, देयरफॉर 73512 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8. वॉट इट, ये बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है क्वेश्चंस को करने का और चेक करने का कि डिविजिबल किस नंबर से है और किससे नहीं है. वॉट इट, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविजिबिलिटी बाय 6. ओके, तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारा क्या रूल है, देखिए 6 का हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, 2 and 3, 2 multiply 3. तो हमें 2 के लिए चेक करना पड़ेगा पहले, देन हमें 3 के लिए चेक करना पड़ेगा. अगर दोनों में हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ओके होता है तो हम बोलेंगे कि 6 से भी डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 6. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें 2 से चेक करना है, राइट. देन 2 से चेक करने का प्रोसेसर क्या है, वंस प्लेस डिजिट इज 6. ओके, और 2 के टेबल में क्या आना चाहिए, 2 के हमारे नंबर में 0 2 4 6 and 8. तो इसमें 6 है तो लिखेंगे हम देयरफॉर 216 is divisible by 2. ओके, अब 3 से चेक करने का क्या प्रोसीजर है, sum of digits is equal to 2 + 1 + 6. इनको ऐड कर देंगे, 2 and 1 3 3 and 6 9. ओके, वो 3 के टेबल में 9 आता है, इट मींस 9 इज डिविजिबल बाय 3. राइट हियर 9 इज डिविजिबल बाय 3. ओके, तो देखिए ये हमारा 2 से भी हो गया कंफर्म, 3 से भी कंफर्म हो गया. तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि देयरफॉर 216 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. ये हमारा प्रूफ हो गया और आंसर भी आ गया. ठीक है, सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन 512. ओके, तो देखिए इसमें 2 है यहाँ पर, इट इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, 3 से चेक कैसे करेंगे, 5 + 1 6 6 and 2 8. ठीक है, लेकिन 8 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है. तो दोनों में से एक से अगर किसी से होगा तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा. तो हम क्या लिख देंगे, सेम यही लाइन लिखेंगे कि देयरफॉर 512 इज नॉट डिविजिबल. ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट डिविजिबल बाय 6. नाउ वी विल चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 11. ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारा क्या रूल है, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से इनकी नंबरिंग करते हैं. देखिए 1 2 3 और 4. ठीक है, 1 और 3 जो हमारा ओड हो जाएंगे, 2 and 4 क्या हो जाएगा, हमारा इवन हो जाएगा. तो इसमें हमारा प्रोसीजर क्या है कि ओड प्लेस वाले डिजिट के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, फिर इवन प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है. ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है. तो सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट, देखिए ओड पर क्या है हमारा 5. ओके, फिर 3 पर क्या है हमारा, ये 4 है. देन इसको ऐड कर देंगे, 5 and 4 क्या जाएगा, 9. ओके, सम ऑफ इवन प्लेस, इवन है हमारा 2 and 4 पर, मतलब 5 और 4 को इनको प्लस कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा. डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम ओड में से इवन को माइनस कर देंगे, ओड हमारा ये और इवन का टोटल दिस, सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए यदि हमारा 0 आता है या 11 के टेबल वाला कोई भी नंबर आता है, ठीक है, मतलब 11 का मल्टीपल अगर आता है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है किससे, 11 से. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर
Therefore, 5445 is divisible by 11. Okay, this is our final answer. Okay, my dear students, thank you for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.